बात अगर मनोरंजन की हो तो मौसम का भी नहीं पड़ता है कोई प्रभाव, बन जाता है वो मनोरंजन का केंद्र। ऐसा ही नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में लगा हुआ झांसी महोत्सव मेला, जहां कड़कड़ाती ठंड में एसपी न्यूज भारत के कैमरे में कैद हुई सैलानियों और मेले की मनमोहक तस्वीर। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो झांसी महोत्सव मेले की है, जहां देख सकते हैं कि शाम के वक्त कड़कड़ाती ठंड में भी मेले में मनोरंजन को लेकर सैलानियों के उत्साह में कमी नजर नहीं आ रही। खाने पीने के सामान से लेकर खिलौने और आकर्षण झूले सैलानियों का मन मोहने में लगे हुए थे। रेगिस्तान का जहाज चलाने वाला ऊंट भी इस मेले में बच्चों का मनोरंजन का साधन बना हुआ था। दिल्ली के यमुनानगर से आए पिज्जा शॉप झांसी वासियों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए जायका केंद्र बना हुआ था। संवाददाता लोकेश मिश्रा द्वारा मेले में आए दुकानदार और सैलानियों से बात की तो उन्होंने इस मेले को व्यापार की दृष्टि से और खरीदारी के अनुरूप महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि मेलों में विचारों को देखा जाए तो किसी को मेला अत्यधिक पसंद आया तो किसी को मेले में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो झांसी और आसपास के क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है झांसी महोत्सव मेला। बेसिकली हम यमुनानगर हरियाणा से हैं, हमारे जो स्टार्टिंग है वो भी हरियाणा से हुई है, बराड़े से 2018 में। 2018 से हमारे अब तक के 11 रेस्टोरेंट हैं, जो कि 3 यमुनानगर में है, अमृतसर में है, बराड़े में है, सढ़ोरा, पानीपत, मेरठ, सहारनपुर में 2 हैं, और रिसेंटली हमने रुड़की में अपना ओपन किया हुआ है। तो कस्टमर के रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा आउटसाइड में करते हैं। तो जितने भी महोत्सव हैं, जैसा लखनऊ महोत्सव था और अभी ये झांसी महोत्सव है, तो इनमें भी हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और रिपीट कस्टमर है। तो ये मेला झांसी महोत्सव का है, हर साल भरता है। मेले में काफ़ी आदमी आ रहा है, बाहरी आदमी भी आ रहे हैं और आगे आने की संभावना भी है। ग्राहकों को लेकर क्या लग रहा है? ग्राहक बहुत खुश हैं और सामान भी ले रहे हैं। कहाँ से हैं? अर्चना मौर्य, चंदा होटल के पीछे, सिविल लाइन। इस बार मेले में क्या खास रहा? अभी मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, जैसे पिछले साल था वही है, लेकिन भीड़ भाड़ काफ़ी है ये लग रहा है। हाँ, अब देखते हैं। महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगा तो सारा ही है, अभी इस टाइम महंगा तो सभी है। और काफ़ी सैलानी भी आ रहे हैं सामने, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सर।